इस साल के ऐतिहासिक फैसलों में सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच जिसमें मौजूद थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिसेस एएस बोपन्ना, एमएम सुंदरेश, पीएस नरसिम्हा, जीवी पर्दीवाला, संजय कुमार और मनोज मिश्रा ने एक और ऐतिहासिक फैसला इस लिस्ट में जोड़ लिया है। यहाँ हम बात एमपी एमएलए द्वारा लिए गए ब्राइब्स केस की कर रहे हैं, जिसे स्ट्रक डाउन करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि ब्राइब लेना ही एक क्रिमिनल ऑफेंस है और इसे इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया तो लोगों के बीच खुशी का माहौल देखने को मिला। लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले ऐसे फैसलों ने लोगों में ये विश्वास वापस से कायम किया है कि शायद आने वाले दिनों में जुडिशरी मिनिस्टर्स द्वारा करप्शन पर एक तेज नजर रखेगी। इस फैसले से और कोई खुश दिखे ना दिखे, पर यूनियन काफी खुश दिखी है और ये बात पीएम मोदी ने अपने एक्स से ट्वीट करते हुए कहा है। स्वागतम, अ ग्रेट जजमेंट बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विच विल एंश्योर क्लीन पॉलिटिक्स एंड डीपन पीपल्स फेथ इन द सिस्टम। जहां सेंटर इन सब से इतनी खुश दिख रही थी, वहीं दूसरी और कुछ ऐसा हुआ है जिसने वापस से सेंटर पर शक की निगाहें और उंगलियां उठवा दी है, इतनी कि लोगों से लेकर अब अपोजिशन भी उन्हें फटकारते हुए दिखाई दे रही है। और ये सब और किसी की वजह से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक 5 जज बेंच द्वारा दिए जजमेंट से हुआ है। यहाँ हम और किसी जजमेंट की नहीं बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट की बात कर रहे हैं, जिसे डिस्क्लोज करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सेंटर को एक बड़ा झटका दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए सीजेआई ने एसबीआई को ये साफ साफ कहा था कि वे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन सारी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी मार्च 6 तक दे दे। अब जैसे ही लोगों को उम्मीद थी कि मार्च 6 तक एसबीआई ये सारी इन्फॉर्मेशन ईसीआई को दे देगी, वहीं लोगों को शॉक करते हुए एसबीआई ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है ये डेडलाइन बढ़ाकर जून 30 करने के लिए। जी हां, आपने सही सुना। और बस फिर क्या था, वापस से अपोजिशन ने सेंटर को फटकाना शुरू किया, ये कहते हुए कि उनसे उम्मीद यही थी कि अब वे इस मामले को चलाकर डील करेंगे और सच छुपाने की कोशिश करेंगे। अपोजिशन की ओर से और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने सेंटर को फटकारते हुए एक्स पे पोस्ट किया है और कहा, नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जाना देशवासियों का हक है, तब एसबीआई क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले ये जानकारी सार्वजनिक ना हो पाए। एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय मांगना बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। देश की हर स्वतंत्र संस्था मोदानी परिवार बनकर उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी है। चुनाव से पहले मोदी के असली चेहरे को छिपाने का ये अंतिम प्रयास है। सिर्फ अपोजिशन ही नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण भी इस मामले में सेंटर को फटकारने में पीछे नहीं रहे और एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, As expected, Modi government has filed an application through State Bank seeking time till beyond elections to disclose names of donors through electoral bonds to political parties. The release of this info will reveal several bribe givers and contract favors to them. So scared. इस मामले में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने भी सेंटर को डांट लगाते हुए एक्स पर पोस्ट किया, ऑन डे ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आई हैड प्रिडिक्टेड डिले डिवर्जन एंड डिग्रेशन बाय गवर्नमेंट एसबीआई इन डिस्क्लोजिंग डिटेल्स प्रूव्ड राइट टुडे। एसबीआई हैज स्टार्टेड व्हाट अबाउट ट्री टू ऑब्स्ट्रक्ट डिस्क्लोजर स्पेशली बिफोर इलेक्शंस सिंस अपोजिशन वांटेड टू मेक डिटेल्स डिस्क्लोज्ड अ मेजर इलेक्शन इशू। इन फटकार के बाद ये समझना तो जरूरी है कि एसबीआई ने असल में क्यों इस मामले में कुछ और टाइम की मांग की है। तो एडवोकेट संजय कपूर एप्लीकेशन फाइल करवाते हुए एसबीआई ने स्टेट किया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेट टाइमलाइन बड़ी दिक्कतें पैदा कर रहा है, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन ईसीआई को देना आसान नहीं है और इसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटीज भी शामिल है। एंड स्टेटेड, ड्यू टू द स्ट्रिंजेंट मेजर्स अंडरटेकन टू एंश्योर दैट द आइडेंटिटी ऑफ द डोनर्स वाज केप्ट एनोनिमस, डिकोडिंग ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड द मैचिंग ऑफ द डोनर टू द डोनेशंस मेड वुड बी अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। डिटेल्स ऑफ परचेसेस मेड एट द ब्रांचेस आर नॉट मेंटेन्ड सेंट्रली एट एनी वन प्लेस and was kept recorded in 2 different silos. This was done so as to ensure that donors' anonymity would be protected. सिर्फ यही नहीं, एसबीआई ने कहा है कि इस डेटा को मैच करना काफी हेक्टिक काम है और इतना जल्दी ये सब नहीं हो पाएगा। और सुप्रीम कोर्ट को समझाते हुए कहा, इन ऑर्डर टू मेक अवेलेबल डोनर इन्फॉर्मेशन द डेट ऑफ इशू ऑफ ईच बॉन्ड विल हैव टू बी चेक्ड एंड मैच्ड अगेंस्ट द डेट ऑफ परचेज बाय अ पर्टिकुलर डोनर। दिस एक्सरसाइज वुड ओनली डील विद द फर्स्ट सिलो ऑफ इन्फॉर्मेशन। दिस बॉन्ड्स वर रिडीम्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज इन देयर डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट्स। अकॉर्डिंगली दिस इन्फॉर्मेशन वुड देन हैव टू बी मैच्ड अगेंस्ट द बॉन्ड रिडेम्पशन इन्फॉर्मेशन दैट मेक्स अप द सेकंड सिलो। इस बात से भले सेंटर को बहुत बैकलैश मिल रहा है, पर ये कोई नहीं ठुकरा सकता कि सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट एमपी एमएलए ब्राइब जजमेंट से वे बहुत खुश दिखे हैं। इसलिए भी क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर के ही फेवर में फैसला सुनाया है और कहा है कि ब्राइबरी एक क्राइम है जो किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं हो सकती। सेंटर के अलावा भी लीगल फील्ड के कई लोगों ने इस फैसले की तारीफ की है, जिसमें हमेशा की तरह पीछे नहीं हटते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने ट्वीट करते हुए कहा, गुड जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट। द व्यू दैट देयर इज सम पार्लियामेंट्री प्रिविलेज टू टेक ब्राइब्स फॉर एक्शंस इन पार्लियामेंट बाय एमपीज इज अब्सर्ड। और वही सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने भी एक वीडियो अपलोड करते हुए इस फैसले को ओवरड्यू और करेक्ट कहा है। तो जैसा कि आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के एक 5 जज बेंच के 1998 जजमेंट को ओवररूल किया है इन द फेमस केस नेम पीवी नरसिम्हा वर्सेस स्टेट, जिसमें ये अपहेल्ड किया गया था कि एमपीज एमएलएज को इम्यूनिटी मिलती है अगर उन्होंने ब्राइब लेकर उसी पर्सन को फेवर किया है जिसने उन्हें ब्राइब दी है। हालांकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये जजमेंट पहला तो एमपी एमएलएज को दिए जाने वाले इम्यूनिटी के ट्विन टेस्ट को पास नहीं करता है और दूसरा कि एक बहुत ही अजीब स्थिति पैदा कर देता है जिसमें ये कहा जा रहा है दैट अ लेजिस्लेटर वो एक्सेप्ट्स अ ब्राइब एंड वोट्स अकॉर्डिंगली इज प्रोटेक्टेड वेयर एज अ लेजिस्लेटर वो डिस्पाइट टेकिंग अ ब्राइब वोट्स इंडिपेंडेंटली इज प्रोसिक्यूटेड। बहुत जगह आपने पढ़ लिया होगा कि इस टू फोल्ड टेस्ट के बारे में, तो आपको बता दें कि ये क्या है। फर्स्ट, द प्रिविलेज क्लेम्ड हैज टू बी टेथर्ड टू द कलेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द हाउस एंड सेकंड, इट्स नेसेसिटी मस्ट बियर अ फंक्शनल रिलेशनशिप टू द डिस्चार्ज ऑफ द एसेंशियल ड्यूटीज ऑफ अ लेजिस्लेटर। और इसी टेस्ट के अकॉर्डिंग ब्राइबरी नहीं फॉल करती है कि वो कैसे एक लेजिस्लेटर के एसेंशियल ड्यूटीज में आ सकती है। ऐसे अगर देखा भी जाए तो ब्राइबरी किसी भी सेक्टर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं कर सकती है क्योंकि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि 1998 जजमेंट ने आर्टिकल 105 और 194 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को गलत वे में इंटरप्रेट करते हुए एमपी एमएलएज को ब्राइबरी से इम्यूनिटी दे दी थी। आपको बता दें कि सीजेआई ने कहा है कि ये दोनों आर्टिकल्स एमपीज एमएलएज के लिए ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि वे बिना किसी डर या प्रेशर के अपनी बात सबके सामने रख सके। एंड स्टेटेड आर्टिकल्स 105 एंड 194 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन seek to create a fearless atmosphere in which debate, deliberations and exchange of ideas can take place within the houses of parliament and the state legislatures. Sirf yahi nahi, CJI Chandrachur ne kaha कि ब्राइबरी पैसे लेने से ही सिर्फ कमिट हो जाती है और ऐसा नहीं है कि अगर एमपी एमएलए वोट दे किसी के फेवर में तभी कंप्लीट हो। देयरफॉर द ऑफेंस ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड इज पेग्ड टू रिसीविंग और अग्रीइंग टू रिसीव द अनड्यू एडवांटेज एंड नॉट द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट फॉर विच द अनड्यू एडवांटेज इज ऑब्टेन्ड। अब बस ये देखने वाली बात है कि इस फैसले के आने के बाद लोकसभा इलेक्शंस पर कितना प्रभाव पड़ सकता है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।